हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग लेग वर्कआउट बिल्कुल करते ही नहीं हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं अच्छी बॉडी बनाना तो लेग वर्कआउट कभी भी अवॉइड ना करिए। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन सबसे महत्वपूर्ण है, इसी की वजह से हमारी बॉडी बन पाती है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं अच्छी बॉडी बनाना तो इस वर्कआउट को, लेग वर्कआउट को कभी भी अवॉइड ना करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में तब जनरेट होता है जब हम लेग वर्कआउट करते हैं। अगर आप चाहते हैं अच्छे लेग वर्कआउट करना तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ ऐसी एक्सरसाइज जिन्हें आप करके आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हैं और इन एक्सरसाइज को घर पे ही परफॉर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आते हैं पहली एक्सरसाइज, इसे बोलते हैं पिस्टल स्क्वाट। इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करना होता है, आपको सिंगल लेग से इस तरह से करना होता है। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज थोड़ी हार्ड है लेकिन आपके पैरों के लिए बहुत ही बढ़िया है। लेकिन आपको हार्ड लगेगी तो इस तरह से आपको फ्रेंड्स एक चेयर की सहायता लेनी है और इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है। इस तरह से वर्कआउट करने से आपके जो लेग्स है वो काफी मजबूत होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। फ्रेंड्स, इस वर्कआउट को आपको करने होते हैं 3 सेट और 12 रेपिटेशन, 6 रेपिटेशन करने होते हैं एक पैर के। फ्रेंड्स, अब आते हैं दूसरी वर्कआउट के ऊपर जिसे बोलते हैं फॉरवर्ड लंगेज। अगर आप चाहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट अपने पैरों का, एक अच्छा लेग बनाना, तो इस वर्कआउट को कभी भी अवॉइड ना करिए। इससे जनरेट होता है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है फ्रेंड्स, और इस वर्कआउट को परफॉर्म करने से आपका ओवरऑल लेग डेवलपमेंट होता है। इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे जिससे आपके लेग्स हैं काफ़ी चौड़े होंगे और बहुत ही जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए फ्रेंड्स आपको 3 सेट और 12 रेपिटेशन करना है। फ्रेंड्स, अब बात आती है तीसरी वर्कआउट जिसे बोलते हैं काफ रेज। इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करना होता है, पैरों के नीचे वाला हिस्सा उसे काफ बोलते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे, और अगर बात कर रहे हैं हम घर पे किस तरह से करेंगे, आप दीवार की सहायता से इस वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। फ्रेंड, इस तरह से आपको दीवार की सहायता लेनी है, इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है। आप चाहे तो बैठ कर भी कर सकते हैं। ये वर्कआउट करने से फ्रेंड्स आपके जो नीचे वाला हिस्सा होता है पैर का, उसको काप बोलते हैं, वो अच्छा डेवलपमेंट होता है उसका और आपके लेग स्ट्रांग होते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसके 4 सेट और 10 रेपिटेशन करना है। अब आते हैं चौथे वर्कआउट जिसे बोलते हैं स्प्लिट स्क्वाट। फ्रेंड, इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए आपके पैर को ऊपर किसी चीज़ पर रखना होता है और इस तरह से परफॉर्म करना हो, किसी ऊंची चीज़ पर आपको रखना होता है। घर पर आप चेयर पर रख सकते हैं। इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करने से फ्रेंड्स आपके जो लेग है काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट आता है और आपके बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो जल्दी से जनरेट होता है। ध्यान इस बात का रखें, जब भी कोई वर्कआउट करेंगे आप इस लेग का, तो आपकी कमर इस तरह से सीधा होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे। इसके आपको 3 सेट और 12 रेपिटेशन करना है। फ्रेंड्स, इसके 6 रेपिटेशन करना है एक एक पैर में। अब बात आते हैं पांचवा वर्कआउट जिसे बोलते हैं जंपिंग लंगेज। फ्रेंड्स, इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करने से आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है, ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो जाता है और आपके अच्छे लेग्स बनाने में ये एक्सरसाइज मददगार है। फ्रेंड, इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे जिससे आपके पैर जो है काफ़ी अच्छे से चौड़े होंगे और मजबूत होंगे। इसके 4 सेट और 10 रेपिटेशन करेंगे। इस तरह से इस वर्कआउट को आप घर पे ही परफॉर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।